नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, भाजपा अपना चिंतन शिविर आयोजित कर रही थी, आज वो समाप्त हो चुका है। कोशिश थी कि जो भाजपा की गुटबाजी है, जो उसकी चिंता है, उसे भी खत्म कर दिया जाए, लेकिन लगता है कि अब इस चिंतन शिविर के बाद भाजपा की चिंता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो राजकुमारी हैं उनको उन्होंने जो सत्कार किया वो शायद महारानी को पसंद नहीं आया। जी हाँ, बात कर रहे हैं राजकुमारी यानी दिया कुमारी की और महारानी यानी वसुंधरा राजे की। कुंभलगढ़ में चिंतन शिविर आयोजित किया था, वजह थी कि वहाँ वो क्षेत्र जो है वो दिया कुमारी का बताया जाता है, वजह थी कि वहाँ पर मजबूती प्रदान की जा सके भाजपा को। लेकिन वसुंधरा खेमे को यही बात सही नहीं लगी। वसुंधरा खेमे का साफ तौर पर आरोप है कि अगर वहाँ चिंतन शिविर आयोजित किया गया है तो इससे साफ तौर पर दिया कुमारी का कद बढ़ेगा और दिया कुमारी को लगातार वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में आपसी लड़ाई होना लाजमी था। दूसरी सबसे बड़ी वजह है सतीश पूनिया और गुलाबचंद कटारिया। गुलाबचंद कटारिया ने कुछ समय पहले ही महाराणा प्रताप को लेकर एक बयान दिया था जिसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। उनके निष्कासित करने तक की बात सामने आई थी कि उन्हें निष्कासित किया जाए, इस तरह की मांग भी उठने लगी थी। राजपूत समाज खासा नाराज़ हुआ था। अब सतीश पूनिया ने चिंतन शिविर में यानी कल एक फ़ोटो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया। इस फोटो में सतीश पूनिया हाथ जोड़कर महाराणा प्रताप की तस्वीर के सामने खड़े हैं। इस फोटो के आने के बाद भी सियासत गर्म हो गई, अलग अलग तरह की बातें आने लगी, कई तरह की बातें आईं जिसमें कहा जाने लगा कि सतीश पूनिया कटाक्ष कर रहे हैं गुलाबचंद कटारिया पर, या कहें कि उनका उपहास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कटारिया का इसको लेकर विरोध हुआ, जिस तरह की बातें सामने आईं, अब ऐसे में साफ तौर पर जिस तरह से ये फोटो शेयर किया गया सतीश पूनिया की तरफ से, तो एक कहीं ना कहीं रार नज़र आई दोनों के बीच। तीसरा, अगर हम बात करें, जो तीसरी मुख्य वजह रही वो थी ओम माथुर। ओम माथुर जो कि एक समय में भाजपा राजस्थान के कद्दावर नेता थे, अब ओम माथुर को भी बताया जा रहा है कि बैकसीट कर दिया गया, उनकी कुर्सी भी पीछे सरका दी गई। इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही ओम माथुर ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि प्रदेशाध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, या फिर उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि वसुंधरा राजे को छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा ऐसा कोई भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है जो मुख्यमंत्री की सीट पर काबिज हुआ है। इसी दौरान एक और बड़ा बयान दिया था, कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष का क्या पता कब तक हैं और कब बदल जाए। शायद यही बयान बड़ी वजह रहा कि उन्हें आगे की पंक्ति की जगह अब पीछे बैठाया गया। तो ये जो गुटबाजी है, जिस तरह से लगातार अलग अलग गुटों में भाजपा एक लड़ रही थी आपस में, कोशिश थी कि इसे एक साथ लाया जाए, एक जाजम पर लाया जाए, लेकिन अब इस चिंतन शिविर के बाद लगता है कि मामला थोड़ा और बिगड़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि इस चिंतन शिविर के किस तरह के रिएक्शन निकल के सामने आते हैं। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।